I've been writing for 24 years now, and this is my first book. And after writing 1,500 poems, or more than that, I've just selected 77 of them in this book. So the book is called Kacche Rang, and the cover is designed by my wife. So I'll just start with a few poems. I'll be mostly reading from the book. So the book has basically seven sections, and each book, each section has 11 poems in that. So ek ek karke main sare sections mein se ek do kavitaen padunga. So the first poem or the pehli nazm, iska shirshak hai aag. Lal sunehri lapton si nachti hui lehrati hui sitaron jaisi chingariyan bikhrati hui badi khoobsurat lagti hai aag. लाल सुनहरी लपटों सी नाचती हुई लहराती हुई सितारों जैसी चिंगारियां बिखराती हुई बड़ी खूबसूरत लगती है आग. कई बार मन करता है कर दूं खुद को इसके हवाले पूरा का पूरा, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाता हूं कि दर्द की सोच हमेशा दर्द से बड़ी होती है, कि दर्द की सोच हमेशा दर्द से बड़ी होती है. अक्सर लगता है कि आवाजें दे दे कर बुलाती है ये भी मुझे गले लगाने को, कि ये तो जानती है अच्छी तरह से अपनी सदियों, ये तो जानती है अच्छी तरह से अपने सदियों के तजुर्बे की मार्फत कि कोई और तरीका नहीं है, होता ही नहीं है, हुआ ही नहीं है कुंदन हो जाने का. और वक्त की बेकरा रस्सी पे एक नुक्ते सा मैं बस उलझा हुआ हूं अपने ही जरा से तजुर्बे में, सोचता हुआ कि जिंदगी भर की कमाई है ये सोच समझ मेरी. इसीलिए शायद अब तक खड़ा हूं मैं आग के दायरे से बाहर, बस आंच नापता हुआ और तकता हुआ एक तक खूबसूरती उसकी. इसीलिए अब तक मिट्टी ही हूं मैं, कुंदन होना अभी बाकी है. This is about we keep playing, thinking when to get in. अगली नज़्म है दरवाज़ा खिड़की. कि एक दरवाज़ा है जहन में बाहर की जानिब खुलता है, एक दरवाज़ा है जहन में बाहर की जानिब खुलता है, खुद ही खुद से बातें करता मुझसे मिलता जुलता है. और एक खिड़की भी है अंदर की जानिब खुलती है, और एक खिड़की भी है अंदर की जानिब खुलती है, न जाने हर बात क्यों इसकी तुमसे मिलती जुलती है. बदन एक ही है लेकिन रास्ते हैं दो, एक सांस के आने को एक सांस के जाने को. इंतजार है तो बस उस एक पल का जब ये नहीं रहेंगे दो और कुछ नहीं बचेगा होने को. That's Darwaja Khirki. Then I move on to the next one. Section title for this is Parte Rishton Ki, all about relations, various kinds of relations. So, Kainat. Kehte hain Kainat badi hai bahut, bekaran hai, apar hai. कहते हैं कायनात बड़ी है बहुत, बेकरां है, अपार है, हो भी सकता है सच कहते हो. इतना इल्म नहीं है मुझे, मैं तो इतना जानता हूं सिर्फ कि जब भी कभी कारण अकारण आ जाता है कोई आंसू तेरी आंख के किनारे तक, सारी दुनिया सारी कायनात उस एक आंसू में अटकी मालूम होती है मुझे. छोटी सी दुनिया है मेरी, जरा सी कायनात. नेक्स्ट इज एक संवाद. मैंने पूछा क्या जज्बात हैं ये जो तुम कह नहीं सकती जुबां से, मैंने पूछा क्या जज्बात हैं ये जो तुम कह नहीं सकती जुबां से, मगर बह रहे हैं तुम्हारी आंखों से और चुप है बाकी सब, सब और सब कुछ. उसने कहा मुमकिन नहीं है कह पाना
इन जज्बात को अल्फाज में। इल्म है ना तुम्हें भी तो, कुछ पौधे सिर्फ पानी में ही सांस लेते हैं। तो नेक्स्ट इज अल्फाज का भार। अल्फाज में नहीं होता है भार कोई, वो तो होते हैं बिल्कुल हल्के फुल्के, तैरते रहते हैं तभी तो हवा में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मुझसे तुम तक, तुमसे मुझ तक। अल्फाज में नहीं होता है भार कोई, वो तो होते हैं बिल्कुल हल्के फुल्के, तैरते रहते हैं तभी तो हवा में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मुझसे तुम तक, तुमसे मुझ तक। मगर कभी कभी उठाना पड़ता है उनको इतना बोझ जज्बात का कि खो बैठते हैं अपना संतुलन, अपनी असली शक्ल, अपने सीधे सच्चे मानी सब, और जब पहुंचते हैं तुम तक या मुझ तक, नाकाबिले पहचान हो जाते हैं। फिर मासूम भी नहीं लगते, ना कुछ बता पाते हैं, ना कुछ जता पाते हैं, बस कामगार मजदूरों की तरह ढोते रहते हैं बोझा जज्बात का, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वो बोझा जिसकी तब किसी को कोई दरकार नहीं होती। भार नहीं होता अल्फाज में कोई। थैंक यू, थैंक यू। तो वहम, अक्सर ये वहम होता है कि जो तस्वीरें हैं तेरी, उनमें जो रंग भरे हैं तूने, उनमें मानी मैंने डाले हैं। कि अक्सर ये वहम होता है, जो तस्वीरें हैं तेरी, उनमें जो रंग भरे हैं तूने, उनमें मानी मैंने डाले हैं, और जो नज़में हैं मेरी, उनमें जो अल्फाज लिखे हैं मैंने, उनकी लकीरें तूने खींची हैं। शायद यही कारण है तेरे हर कैनवस पे लिखी नज़र आती हैं मुझे नज़में अपनी, और मेरी डायरी के पन्नों में जिंदा किरदार महसूस होते हैं मुझे तेरी तस्वीरों के। जब भी कभी पढ़ता हूँ तेरे कैनवस पे नज़में, जब भी कभी पढ़ता हूँ तेरे कैनवस पे नज़में, या देखता हूँ अपनी डायरी में तस्वीरें, तो हैरान होता हूँ बहुत ये सोचकर कि हम दोनों में से आखिर शायर कौन है।